हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द समर व्लॉग्स। आई होप गाइस यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई पल्सर 125 ट्विन डिस्क का क्या हाल है BS6 के साथ, और बहुत सारी पल्सर सीरीज की जो बाइक्स है वो भी BS6 के साथ लॉन्च हो चुकी है, कब तक हमारे नियरेस्ट शोरूम में आ सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पल्सर 125 का BS6 के साथ कब तक लॉन्च हो सकता है और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं पल्सर 125 ट्विन डिस्क में। दो मॉडल आती है, एक नियॉन भी आती है, एक ट्विन डिस्क भी आती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पल्सर की हर एक बाइक BS6 के साथ लॉन्च भी हो चुकी है, गाड़ी बन भी चुकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां बजाज इसे ऑफिशियल, जैसे कोई न्यू बाइक को लॉन्च कराया जाता है, वैसा लॉन्च नहीं करेगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि BS6 व्हीकल हर एक शोरूम में आधे इंडिया के पहुंच चुकी है पहले से ही। जी हाँ दोस्तों, पहले से ही पहुंच चुकी है, मुझे पता है पहले से पहुंच चुकी है। साथ में ये भी बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है बाइक में। ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि पल्सर 125 ट्विन डिस्क में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और कब तक आपके नियरेस्ट शोरूम में पहुंच सकेगी। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर लेते हैं कि बाइक का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि अभी हर एक पल्सर में BS6 के साथ जो आ रही है या बजाज की जो भी बाइक्स है उस पर 10,000 से 12,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो पल्सर 125 ट्विन डिस्क जो मॉडल है वो आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी 96,000 से 98,000 के आसपास का ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, जिसमें इंश्योरेंस एंड RTO का पैसा इंक्लूड होगा। तो ये हो गया BS6 125 ट्विन डिस्क का प्राइस। अब चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, BS4 जो ट्विन डिस्क आती थी आपने उसको देखा ही होगा, और जो BS6 ट्विन डिस्क आएगी, ठीक है, दोनों के लुक में 1% का भी चेंजेस नहीं है। जी हाँ, लुक में किसी भी पल्सर में, बजाज की किसी भी बाइक में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर BS6 को खड़े करोगे, BS4 को खड़े करोगे आजू बाजू, तो आप डिफरेंस आपको कहीं नहीं देखेगा, जो सिर्फ और सिर्फ इंजन अंदर में चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं नया चेंजेस में? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ECU की एक टेक्नोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिल जा रही है, ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जा रहा है, ऑक्सीजन फिल्टर देखने को मिल जा रहा है, और आप लोगों को साइलेंसर में एक न्यू अपडेट देखने को मिल जा रहा है जो कि BS6 से रिलेटेड है। इतना ही अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग पागल हो जा रहे हैं कि BS6 मेरे भाई, BS4 और BS6 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सेम टू सेम बाइक है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया और बाइक के प्राइस को भाई 10,000 से 15,000 रुपए किसी किसी बाइक में बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्विन डिस्क की थोड़े स्पेसिफिकेशन में। तो सेम टू सेम इंजन टाइप में आप लोगों को 4-स्ट्रोक 125cc का इंजन मिल जाता है, जो कि बजाज की ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। साथ में आप लोगों को 12 HP का पावर मिल जाता है और 11 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो नॉर्मली आपको BS4 में मिलता था, इतना ही आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है। साथ में आप लोगों को इसके मीटर कंसोल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको एक ECU की जो नई टेक्नोलॉजी जो आपका BS6 में मिल रही है वो देखने को मिल जाएगी। एक प्लग आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब आप गाड़ी को सर्विस में लेके जाएंगे तो वहां पे आपकी गाड़ी को वो लोग एक मशीन से पूरी गाड़ी को चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बस इतना ही चेंज हो रहा है और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कलर में कोई चेंज नहीं है, ग्राफिक में कोई चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं है, और गाड़ी के टायर्स में कोई चेंज नहीं है। टॉप स्पीड में वही 105 km/h का टॉप स्पीड बजाज का क्लेम है। माइलेज में वही आप लोगों को 45 से 50 के आसपास का माइलेज बताया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि BS6 में कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये बता दूं आपको कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था, इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में ये बाइक आई ही नहीं है। तो भाई मैंने जब बजाज वालों से पूछा, मेरी अच्छी खासी है पहचान उन लोग से, तो जब मैंने लोग से पूछा तो वो लोग ने मुझे ये बताया कि पल्सर 125 जो ट्विन डिस्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सिटी में, यानी कि जो बिग सिटी है और जो स्मार्ट सिटी है, वहां तक उस बाइक को सिर्फ और सिर्फ सेल किया गया है अभी तक, और छोटे सिटी में, छोटे स्टेट में फिलहाल अभी उस बाइक को नहीं भेजा गया है।
तो बहुत सारे उड़ीसा से मुझे कमेंट आए थे कि भाई ये बाइक यहाँ पे कब तक आएगी, क्यों नहीं आई। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो पल्सर की बाइक है वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आती है उड़ीसा से पहले, उसके बाद उड़ीसा जाती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और ये बात सच है, ठीक है। तो पल्सर जो है 125 ट्विन डिस्क यहाँ तक नहीं आई, जी हाँ, रायपुर में भी नहीं आई है, तो उड़ीसा तो दूर की बात हो गई, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या भाई BS6 में हमारी सिटी में आएगी, तो भाई 110% आएगी, ऐसा मुझे बजाज वाले ने बोला है। यहाँ तक अभी आप पल्सर 125 ट्विन डिस्क को वहाँ तक आप उसको मतलब ऑर्डर भी दे सकते हैं, बुक भी करा सकते हैं अपने लिए, जी हाँ। और लॉन्च तो हर एक बाइक हो गई है, फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्च हर एक बाइक हो गई है, शोरूम तक पहुँच भी गई है, बस ओल्ड स्टॉक की वजह से, जो BS4 का ओल्ड स्टॉक है उसकी वजह से इन बाइक को दिखाया नहीं जा रहा है, शो नहीं किया जा रहा है। तो यही चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है, माइनर चेंजेस आपको BS6 में देखने को मिल रहा है। तो अब ये मत सोचिए कि मुझे बहुत ज़्यादा अपडेट BS6 में देखने को मिलेगा पल्सर 125 ट्विन डिस्क में। और अगर बात कर लेते हैं कब तक आएगी दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो लोग बोल रहे हैं कि RTO उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, बट अदर कंपनी तो BS6 बेच ही रही है, बट बजाज वाले ऐसा बोल रहे हैं कि RTO से भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन आप अभी उस बाइक को बुक कर सकते हैं कुछ पैसे देके अपने नाम की, और इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। दोस्तों का चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।